बात तो यह हुई थी कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी हर साल। आप इस पे सवाल नहीं उठाते, आप पैकेज चलाते हैं सरकार का। 350 और 400 रुपए की गैस का वादा करने वाले आज 900 रुपए गैस बेच रहे हैं। अमीश भाई आप चुप क्यों हैं? ये सर आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा, तो अकल बढ़ेगी। नहीं नहीं ये बात सर नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। आज इस वीडियो में बात AIIM के नेता असीम बकार की करते हैं। असीम बकार की हम वे डिबेट्स देखेंगे जिनमें उन्होंने एंकर के बार बार टोकने पर भी उन्हें ही खरी खोटी सुनाई हो। उत्तर प्रदेश में चुनावों के मुद्दे पर रिपब्लिक भारत पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने अपने सवाल से असीम बकार को उलझाने की कोशिश की, जिस पर असीम बकार ने एंकर को ही घेर लिया। आपके हिसाब से 80% भारत गुनाह कर रहा हूँ, 80% भारत का अंग नहीं है, दलित का नाम उठा, 80% जनता के आपके हिसाब से भारत का अंग नहीं है क्या? मैं अरे आप काम पे मांगिए, ये कैसी राजनीति है वकार साहब? जनाब अली सवाल तो पूरा हो रहा है। कौन से काम की बात आप कर रहे हैं? बात तो ये हुई थी कि 350 रुपए का गैस का सिलेंडर बेचेंगे, 900 रुपए का बिक रहा है। हाँ तो इस पे सवाल की सवाल नहीं करते। बात तो ये हुई थी कि 65 रुपए का तेल बिकेगा, पेट्रोल 65 रुपए में बिकेगा, 100 रुपए में बेच रहे हैं, क्या इसकी बात हुई थी? आप पैकेज चलाते हैं, आप सवाल नहीं पूछते। बात तो यह हुई थी कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी हर साल। आप इस पे सवाल नहीं उठाते, आप पैकेज चलाते हैं सरकार का। बात तो यह हुई थी कि देश का विकास होगा, बनारस को क्वेटो बनाया जाएगा, आप पैकेज चलाते हैं, आप सवाल नहीं उठाते सर। आपने बोला, अब मैं बोलने का कहां है? 100 रुपए में पेट्रोल आप बिकवाएंगे? बीजेपी आप 100 रुपए में पेट्रोल क्यों नहीं बोला? आप 200 रुपए के गैस सिलेंडर देंगे? एक 10 सेकंड का इंटरवेंशन ले। आज तक पर जनसंख्या के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने असीम वकार से जनसंख्या कानून पर उनसे जवाब मांगा, जिस पर नेता ने कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करने को कहा। तब एंकर ने उन्हें अपने सवालों में घेरने की कोशिश की तो असीम वकार ने करारा जवाब दिया। ये समस्या हमारे देश के लिए एक ज्वलंत समस्या है और जितनी भी सरकारें आई हैं सबने इस पर सोचा है, देश के सारे नागरिक इस पर सोचते हैं, जो अकलमंद है, पढ़े लिखे हैं, इसकी गंभीरता समझते हैं, वो सब इसको सोचते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रोका जाए। आप सरकार के साथ पहली बात तो ये क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाता, ठीक है, क्रेडिट देश के लोगों को जाता है, आपको भी जाता है चित्रा जी, आपके चैनल को भी जाता है, आप इस मुद्दे को उठाते हैं। मैं इस मुद्दे को सोचता हूँ कि ये होना चाहिए, इस पर बिल आना चाहिए, ये क्रेडिट मेरा भी है, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए से देश के लोगों को ये बता दूं। तो आपको इस बात से दिक्कत है कि बीजेपी को कहीं इसका क्रेडिट ना मिल जाए, इस बात से नहीं मिल रहा है इनको क्रेडिट? हाँ नहीं नहीं क्रेडिट नहीं मिल रहा है इनको मैडम, कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने पूरी डिबेट में मेरी एक सवाल का जवाब गौरव जी ने नहीं दिया। मैंने कहा आप कह रहे हो कि 3 बच्चे होंगे तो उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। न्यूज 18 पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने चुनावी मुद्दे को लेकर सवाल असीम बकार से किया, जिस पर असीम बकार ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। ओके, ऐसा क्यों है कि ओवैसी साहब की पार्टी हमेशा कवर फायर देती है इन लोगों को? ओवैसी साहब की पार्टी सवाल ये पूछ रही है कि 40 और 35 रुपए में पेट्रोल बेचने वाले, वादा करने वाले, आज 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? अमीश देवगन साहब बहस क्यों नहीं करते इस पर? ओवैसी साहब की पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि 350 और 400 रुपए की गैस का वादा करने वाले आज 900 रुपए गैस बेच रहे हैं, अमीश भाई आप चुप क्यों हैं? ओवैसी साहब की पार्टी ये कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले आज रोजगार छीन चुके हैं, बेरोजगारी है, आत्महत्याएं हो रही हैं, अमीश भाई आप चुप क्यों हैं? वजह बता दीजिए। अब आप बताइए कि हम तो सवाल सरकार पे पूछते हैं और आप सरकार को बचाते हैं सर? ना ना देखिए मैं तो सवाल आपसे मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। मुस्कुराने लखनऊ आप मुस्कुराइए, लखनऊ में है तो मैं तो मुस्कुरा के आपके सब आरोपों को झेल रहा हूँ, सह रहा हूँ और फिर भी मुस्कुरा। हिंदुत्व के मुद्दे पर न्यूज नेशन पर एक डिबेट हो रही थी। इस डिबेट में एंकर ने हिंदुत्व को लेकर सवाल असीम बकार से किया, जिस पर असीम बकार ने योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की, जिस पर एंकर उन्हें टोकने लगे, जिस पर अब असीम बकार ने उन्हें ही चुप करवा दिया। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए बोलने दीजिए वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए सुनिए, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए 5 साल में, आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए, आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच दीजिए, 35 रुपए में बेच दीजिए, आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए, मैं वादा कर रहा हूँ मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। नहीं नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, और बता दूंगा आपसे ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, ओवैसी साहब पढ़ेंगे योगी जी से, योगी जी से कहिएगा आप। असीम भाई ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं, अगर आप कह दीजिएगा जाकर कि असीम बकार ने कहा है,
सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा, तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही हैं, अच्छा, मोदी जी सर आपके साथ, आपको मैं, आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं, अगर अकल बढ़ जाए तो कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। आज तक पर किसी विषय में डिबेट जारी थी। इस डिबेट में एंकर ने सवाल असीम बकार से किया। असीम बकार ने बीजेपी सरकार पर टिप्पणी की, जिस पर एंकर ने उन्हें टोका, जिसका असीम बकार ने करारा जवाब दिया कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित, नहीं ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मैं चेक कर रहा था, तो चेक हो गया। नहीं, एक सेकंड, तो चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। असीम बकार साहब एक सेकंड, पहले ये जो अपना भोपो बजाना है ना, चलिए बीजेपी का प्रवक्ता कौन आगे है और एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद, प्लीज अपने कायदे में रहें, अपने हाथ में रहें। जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ वैसी भाषा बोलिए, वरना भी मजबूरी में मुझे आप जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं कभी मैं आपकी तरह बोलना शुरू नहीं करती हूं, और ना ही आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुद्दे पर आइए असीम बकार। अक्सर मीडिया एंकर डिबेट में विपक्षी नेताओं को जवाब देते समय टोकते हैं, जिसके बाद नेता भी एंकर को खरी खोटी सुना देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।